के दशक में फिल्मों में आने से पहले ये एक मॉडल हुआ करती थी। मॉडलिंग की दुनिया में इस एक्ट्रेस ने मिस बॉम्बे का टाइटल अपने नाम किया था। प्यार की बातें हमें सोने एक्ट्रेस के पिता और नाना अपने दौर के जाने माने प्रोड्यूसर थे। मॉडलिंग के बाद उनकी एंट्री फिल्मों में हुई। हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान मिल गई थी और वो फिल्म थी रजनीगंधा। जिंदगी में वह उम्र भर प्यार को तरसती रही। दो शादी के बाद भी इस एक्ट्रेस को वो प्यार नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। ऐसी कौन सी गलती ने एक्ट्रेस का पूरा करियर ही डुबा दिया था, आइए बताते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं अदाकारा पर्दे पर बेहद शांत और मासूम सी दिखने वाली एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की। जिसने अपनी सादगी से सभी का दिल जीत लिया था। विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को बॉम्बे, भारत में हुआ था। अपना वादा तो अच्छी तरह निभा रही हैं आप। ये सच नहीं अमर। इतना भी भूल गए कि मैं चाय दूध के बगैर पीता हूँ। विद्या सिन्हा बासु चटर्जी की कम बजट वाली लेकिन ऐतिहासिक फिल्म रजनीगंधा से रातों रात स्टार बन गई थी, जिसे पाने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। बासु चटर्जी की हिट कॉमेडी छोटी सी बात में अमोल पालेकर के साथ अभिनय करने के बाद विद्या सिन्हा ने अपनी सादे मासूम भोली भाली लड़की की छवि से लोगों के दिलों में जगह तो बनाई, लेकिन उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि यदि हिंदी सिनेमा की मुख्य में टॉप की हीरोइन बनना है तो अपने किरदार में ग्लैमर भी शामिल करना होगा। सिन्हा ने अपनी कुछ फिल्मों में ग्लैमरस हीरोइन का लुक अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस छवि को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लोगों को भोली भाली सीधी सरल विद्या सिन्हा ही पसंद थी। महान राज कपूर ने उनसे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए संपर्क किया था, लेकिन शारीरिक प्रदर्शन न कर पाने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया और वो भूमिका जीनत अमान को मिल गई। बात करें विद्या सिन्हा की पर्सनल लाइफ की तो एक्ट्रेस ने अपने पड़ोसी तमिल ब्राह्मण वेंकटेश्वरन से 1968 में शादी कर सबको चौंका दिया था। अब उठकर ऊपर बैठो, बहादुर चाय लेकर आता ही होगा। हमेशा देर से आने की कसम खा रखी है क्या? हालांकि इस शादी से इन्हें कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके चलते विद्या और वेंकटेश्वरन काफी दुखी रहते थे। खबरों की माने तो विद्या ने साल 1989 में एक बेटी को अडॉप्ट किया था। वे लंबे समय तक अभिनय से दूर रही। इस पर उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी जाह्नवी को नौकरों द्वारा पाला जाए और मैंने कोई नौकर नहीं रखा। मैंने उसे अकेले ही पाला क्योंकि मैं उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। लंबी बीमारी के चलते एक्ट्रेस के पति वेंकटेश्वरन अय्यर का साल 1996 में देहांत हो गया था। पहले पति की मौत के बाद सिडनी में विद्या सिन्हा की मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुके से हुई। दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। इसके बाद विद्या ने भीमराव सालुके से एक मंदिर में शादी कर ली थी। दूसरे शादी के बाद भी विद्या सिन्हा खुश नहीं रह पाई थी। उन्होंने 2009 में अपने पति के ऊपर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया और तलाक ले लिया। सिन्हा ने फिल्म
निर्देशक बासु चटर्जी की 1974 की फिल्म रजनीगंधा से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन इस फिल्म के बाद वह ज्यादातर साइड रोल में नजर आने लगी। हालांकि विद्या ने अपने एक इंटरव्यू में भी खुद खुलासा किया था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने कई साल तक हीरोइन के रोल नहीं बल्कि साइड रोल निभाए। एक गलत फैसले की वजह से उन्हें माँ के रोल ऑफर होने लगे। करियर के पीक पर उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का मन बना लिया था, लेकिन जब वह इंडस्ट्री में लौटी तो उन्हें माँ के किरदार ऑफर होने लगे। बॉलीवुड में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने उस समय कर्म फिल्म में राजेश खन्ना के साथ काम किया था, जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार होने का खिताब पहले ही पा चुके थे। इसके अलावा विदुन खन्ना, उत्तम कुमार, संजीव कुमार, शशि कपूर, विनोद मेहरा और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी वो काम कर चुकी थी। 10 सालों में उन्होंने तकरीबन 30 फिल्में की थी, लेकिन वह उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई कि वह कभी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन पाती। ऑस्ट्रेलिया से कुछ वर्षों के बाद विद्या भारत लौट आई। करीना कपूर और सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में थी। विद्या ने काव्यांजलि, जारा, नीम नीम शहद शहद, कबूल है, इश्क का रंग सफेद और चंद्र नंदिनी जैसे शोज में काम किया। उन्हें अंतिम बार टीवी शो कुल्फी कुमार बाजेवाला में देखा गया था। साल 2019 में दिल और फेफड़ों की बीमारी के चलते विद्या का निधन हो गया था।